जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मतलब आज के मैच को देखकर भैया हमको 1971 का वो सरेंडर याद आ गया कि पाकिस्तान चिल्लाता तो ये रहा पूरे टाइम कि भैया हम स्ट्रांग है, हम स्ट्रांग है, लेकिन जैसे ही मौके पे चौका मारने की बारी आई पाकिस्तान ने हथियार यूं कर दिए, ले लो भैया हमारे बस की नहीं अभी सिचुएशन को हैंडल करना। इंडिया पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के मैच के बारे में हाइप इसीलिए इतनी ज्यादा रहती है क्योंकि ये मैच प्रॉमिस करता है कि आपको एक ऐसा मैच देखने के लिए मिलेगा जो आपको शायद और कहीं पूरे वर्ल्ड कप में देखने के लिए ना मिले। लोग बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच होते हैं जबरदस्त, लेकिन भैया उनको एक बार बोलो जरा आके एक बार भारत पाकिस्तान के मैच पे भी नजर डाल ले। 120 रन के स्कोर के ऊपर, महज 120 रन के स्कोर के ऊपर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपको एक ऐसा थ्रिलिंग गेम देखने के लिए मिलेगा। और मैं आपको सच सच बोलूंगा, जब आधी इनिंग खत्म हुई थी ना और 120 का टारगेट दिया था भाई, मेरे को तो लग रहा था कि यार ये लोग तो गए, इनके बस की अब नहीं बची है, इंडिया के बस की। लेकिन रोहित शर्मा ने जो चीज बोली ना भाई पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, वो बात उस बंदे की बहुत सही लगी मुझे, मैं बताता हूं आपको थोड़ी देर से। लेकिन अगर हम इस मैच की बात करें, देखिए ये पाकिस्तान का टोटल सरेंडर था, ये मैच पाकिस्तान का था। उन्होंने बॉलिंग में वो सब कुछ कर दिया था जो चीजें वो कर सकते थे, एंड इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई भी चीज पाकिस्तान के करने की बची थी। बट उसके बावजूद भी वो लोग इस मैच को गंवा देते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। जैसे हम ये कह सकते हैं हमारी बैटिंग कोलैप्स कर गई, एंड यू शुड नॉट फॉरगेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऋषभ पंत। बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि यार ऋषभ पंत ऐसा शॉट खेलता है, ऋषभ पंत वैसा शॉट खेलता है, बहुत लोग बोल रहे थे। बट उसका जो कंट्रीब्यूशन है ना वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, 120 में से 40 रन तो उसी के थे। अब ऐसे में सबसे बड़ा जो एक हमारे सामने पॉइंट आ जाता है वो ये है कि यार अगर हमारे बैट्समैन फेल हुए हैं तो बॉलर्स ने स्टेप अप किया है। देखिए बुमराह के बारे में कभी कोई डाउट नहीं था, बुमराह इज आवर प्राइम बोलर, लेकिन अर्शदीप एक लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म में थे, आईपीएल में भी वो कुछ उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाए। एंड सेम थिंग इज विद सिराज टू। अक्षर पटेल को यहां पर खिलाया गया था, कई सारे क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स का कहना था कि यार अक्षर की जगह पर कुलदीप को खिलाना था, कुलदीप काफी अच्छा परफॉर्म कर चुका है पाकिस्तान के खिलाफ इससे पहले। बट अक्षर पटेल ने विकेट जो लिया वो एक अलग बात है, पर जो तीन डॉट बॉल अक्षर ने डाली थी ना इमाद वसीम को, वो डॉट बॉल्स ने जिस तरीके से इस मैच को बदला ना यार, दिल जीत लिया बंदे ने। हार्दिक पांड्या, बंदे ने जैसे ही इंडियन टीम की ब्लू जर्सी पहनी, क्योंकि ब्लू तो मुंबई इंडियंस भी है, बंदे ने जैसे ही इंडियन टीम की ब्लू जर्सी पहनी, बंदे को मतलब पता नहीं कौन सा इलेक्ट्रिक झटका लग गया है, बंदा अचानक से परफॉर्म कर रहा है। हार्दिक पांड्या इज सडनली लुकिंग लाइक अ मैच विनर। तो ऐसा है कि भैया आईपीएल से फिर आप दूरी ही बना के रखें, कम से कम इज्जत बची रहेगी। जितने भी लोग हार्दिक पांड्या को बू कर रहे थे, हकीकत बात है वो सब के सब अब कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को बैक कर रहे थे कि यार यही बंदा है जो हमको मैच निकाल कर देगा। और देखो हार्दिक पांड्या ने भी क्रूशियल मोमेंट के ऊपर आपको विकेट निकाल के दी। हाँ, मैन ऑफ द मैच भले ही जसप्रीत बुमराह रहे हो, लेकिन जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने भी बॉलिंग करी ना, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हार्दिक पांड्या दरअसल जब बॉलिंग करने के लिए आया ना, तब ऐसा लग रहा था कि यार मैच बहुत फंसा हुआ है, लेकिन इंडियन टीम ने जिस पोजीशन से इस मैच को निकाला उसके बारे में हम लोग जितना बोले उतना कम है यार। मैं पहले बॉलिंग की बात करना चाहूंगा कि इंडिया की बॉलिंग की बात कैसे कर कैसी रही। अर्शदीप की बात करें तो अर्शदीप ने बॉलिंग की शुरुआत करी थी भैया, 4 ओवर में 31 रन दिए बंदे ने और 1 विकेट निकाला, सिर्फ 7.8 की इकोनॉमी रही। मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर में 19 रन दिए और 4.8 की इकोनॉमी रही, बंदे ने बहुत कम रन खर्च किए। हालांकि 18th ओवर जो सिराज ने डाला था उसके बाद लग रहा था कि यार ये बंदे ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है, मतलब मैच फंस सकता है, नो बॉल डाल दी थी, वाइड बॉल डाल दी, थोड़ा लग रहा था कि यार इधर उधर सिचुएशन ना चली जाए, बट स्टिल ही कंट्रोल द गेम। बुमराह मतलब इसके बारे में तो क्या ही बोले यार, बंदा ही अलग है। 4 ओवर में 14 रन, 3 विकेट, 3.5 की इकोनॉमी, 15 डॉट